चलिए खबरों का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सांस में तकलीफ होने के बाद बीती रात फिर दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया है। उन्हें कार्डियो न्यूरो टावर में रखा जा रहा है, जहां वीवीआईपी हस्तियों का इलाज किया जाता है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। बीते एक महीने से अमित शाह का स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है। 2 अगस्त को उन्हें कोविड पॉजिटिव पाया गया था तथा गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चला था। 14 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई थी। इसके बाद सांस में तकलीफ के बाद उन्हें 18 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। यहां से 31 अगस्त को छुट्टी मिली थी। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने ट्वीट कर जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है।